हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नीरज, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीआरडीओ के जो सेप्टेम्बर 10 का एग्जाम होने वाला है, जो कि उसकी डेट भी अनाउंस की गई है, 6 जनवरी से आपका डीआरडीओ का सेप्टेम्बर 10 का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। यहाँ पर हमने आपको जीके के 10 क्वेश्चन लिए हैं, और इससे पहले भी हमारी वीडियो आती रही है जिसमें हम आपको मैथ और रीजनिंग भी सॉल्व कराए हैं। तो आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डीआरडीओ संबंधित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वे आते रहेंगे, तो आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। और आपका जो नॉन टेक्निकल वाला 40 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है, भाई इन सभी में से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जीके की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्या क्या क्वेश्चन लिखे गए हैं, हम आपको इनके आंसर बताते जाएंगे, तो आप इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ लिखा हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन लिए गए हैं, ये बार बार डीआरडीओ के एग्जाम में पूछे गए हैं। जो अभी डीआरडीओ का एमटीएस का एग्जाम हुआ था, और अभी जो रिसेंटली एसटीएबी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो इसका आंसर आपको बताना है मुंबई में है। मुंबई में इसका गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इसको बोला जाता है भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया को। और यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन जरूर हो रहा होगा कि जो इंडिया गेट है भाई, आपका दिल्ली में स्थित है। यह आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके डीआरडीओ के एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अभी 2021 तक जो डीआरडीओ के अध्यक्ष थे वह सतीश रेड्डी थे, लेकिन क्या हुआ, सतीश रेड्डी को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वह हैं समीर बी कामत। ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा, समीर बी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है। तो उसने इस तरीके से क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, लेकिन यहाँ ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको बताते हैं इसके बारे में, पूरी जानकारी आपको दे देंगे, तो एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर से एग्जाम में फंस जाएगा। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसका संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे। इनका भारत जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्होंने ही भारत को यूनिटी में लाया था, मतलब एकता में लाया था। इसलिए इनकी जो 182 मीटर की जो मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू बनाया गया है गुजरात में, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर डैम के पास में स्थित है। यह आप याद करिएगा। और ये पूछा जाएगा कि कौन से राज्य में है, तो आप ये भी रखना है याद, गुजरात में ये है, गुजरात में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इतने इस एक में आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हमने। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री से। ये बहुत ही जरूरी होता है कि आपको इतना सब याद रहे, क्योंकि ये जीके के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको याद होना ही चाहिए जैन धर्म के जो संस्थापक हैं। यहाँ पर ही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी लगा देते हैं कई कई, लेकिन इनके जो असली संस्थापक माने जाते हैं, जो सबसे शुरुआत में जो इनके तीर्थंकर हुए थे, वह श्री भगवान ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जो हुए थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। और इनके बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी थे। तो यह भी आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी। दोस्तों, ये बायो का क्वेश्चन है, बायोलॉजी में पूछा जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन कि किसकी खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज आपके फंक ने की, देशपांडे नाम है वैज्ञानिक का। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी डीआरडीओ का जो एग्जाम हुआ था एसटीएबी का, उसमें पूछा गया था कि फंक विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी। और विटामिन से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे विटामिन ई से कौन सा रोग होता है, या विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हुआ। तो यह हमने आपको इस वीडियो में सॉल्व कराया है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, यह आपको याद ही होगा, लेकिन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना कि यह भारत में नहीं है, नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, नेपाल में, ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, इससे पहले जो जब तक हमारी सरकार चलती रही, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तो हमारे लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है नीति आयोग।
इससे पहले इस आयोग का नाम था योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन क्या हुआ जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने 15 जनवरी 2015 को उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है। तो यह आपको याद रखना है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई है, 15 जनवरी 2015 को। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी भाजपा की, तो 2015 में उन्होंने नीति आयोग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री कौन है। यह तो एसएससी रेलवे के एग्जाम में कम से कम 10-20 बार यह क्वेश्चन पूछा गया कि पहले विधि मंत्री या न्याय मंत्री कौन थे। तो यह आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, ये हमारे पहले न्याय मंत्री थे। इन्होंने ही संविधान का निर्माण करने में मदद की है, तो इसलिए इनको पहला न्याय मंत्री बनाया गया था या विधि मंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों DRDO का एग्जाम है डिफेंस से संबंधित है, तो आपको डिफेंस से बहुत सारे एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने आपको लिया नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। सेना मतलब कि जो थल सेना होता है, हाँ, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, वही भी आपको पूछा जाता है। तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है नौसेना दिवस, तो ये आपको याद रखना है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं। तो यह भी याद रखना है, सिलिकॉन तो आपको याद ही होगा सेमीकंडक्टर बोला जाता है, मतलब अर्धचालक, तो सिलिकॉन हमारा अर्धचालक है, तो ये कार्बन और जर्मेनियम भी इसी में आ जाएंगे, अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और DRDO से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट पर लिख देना, हम आपको इसका आंसर दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।